इंदौर शहर का विजयनगर थाना क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहला हाईटेक थाना बन चुका है, जहां पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा थाना क्षेत्र के 16 चौराहों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से ट्रैफिक को सुधारने में तो मदद मिलेगी, साथ ही अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। इस हाईटेक थाने के प्रभारी तहजीब काजी से खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता जतिन ठाकुर ने खास चर्चा की। इंदौर शहर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से अपराध नियंत्रण को लेकर तमाम कवायदें की जा रही हैं और इसके साथ ही पुलिस अब आधुनिक संसाधनों का भी प्रयोग बखूबी कर रही है। ऐसा ही एक प्रयोग विजयनगर थाना क्षेत्र में किया गया है, जिसके चलते थाना क्षेत्र के प्रमुख 16 चौराहों पर हाई डेफिनेशन के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से पुलिस अधिकारी लाइव ट्रैफिक को देख सकेंगे। साथ ही अपराध नियंत्रण में भी यह सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रयोग के चलते विजयनगर थाना मध्य प्रदेश का पहला हाईटेक थाना बन गया है। तुम्हारे पास बुलाओ राजेश, ये वही शिवा चाय पालने वाले के उधर देखो कुछ बैठा हुआ है, उसको चेक करो। ये दो लड़के बैठे हैं बैग लेके पेड़ के नीचे, एक ब्लू शर्ट है एक ब्लैक शर्ट है, उनको चेक करो क्यों बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं दिखे। इसको छोड़ के मेरी भागे बंद मार के हाईटेक विजयनगर थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता जतिन ठाकुर से खास चर्चा करते हुए सीसीटीवी कैमरे और उनके द्वारा किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है और वहीं कैसे अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हो सकेगा, उसके बारे में जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर का विजयनगर थाना अब मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा हाईटेक थाना हो चुका है, जहां पर हाईटेक कैमरों की मदद से पूरे 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक विशेष नजर रखी जा रही है हाईटेक कैमरों के माध्यम से। आइए इस तमाम किस तरह ये कैमरे लगाए गए हैं, क्या इनकी क्वालिटी है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी सर से और जानेंगे कि हाईटेक जो कैमरे लगाए गए हैं इसकी क्या क्वालिटी है। सर, सबसे पहले यदि हम बात करें, इंदौर शहर का यह पहला ऐसा थाना बन गया है जिसमें हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल इससे 16 चौराहे जो हैं आपके, उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, 64 लाइव ट्रैफिक को देखा जा रहा है। किस तरह की सर इसकी शुरुआत की गई और क्या उद्देश्य था सर? देखिए, जब कमिश्नर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि थाना क्षेत्रों में अधिक से अधिक नोडल पॉइंट बनाए जाएँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ, प्रोएक्टिव पुलिसिंग चाहते थे साहब, तो इसी उसमें हमारे जो डीसीपी साहब थे संपत उपाध्याय साहब, उनके द्वारा एक प्लान बना कर दिया गया हम लोगों को, जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाना था, हमने ऐसे स्थान चिन्हित किए पिछले 10 सालों के जो अपराध थे उनको देखते हुए, कहाँ चेन स्नैचिंग ज़्यादा होती, कहाँ मोबाइल स्नैचिंग होती, कहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होती है और थाना के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ से कोई अंदर प्रवेश करता है या निकलता है, उन स्थानों को चिन्हित किया। ऐसे लगभग 64 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए थे और उन पर हमने कैमरे लगाने का शुरुआत की। कैमरे में हमने ये देखा, कैमरे जो जनरली लगाते हैं उसमें ब्लर हो जाता है, चेहरा नहीं दिख पाता है, कई बार नंबर नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए हमने उच्च क्वालिटी के कैमरे 4K कैमरे यूज़ किए हैं और जो जिसमें नंबर प्लेट भी आ जाता है और कुछ सॉफ्टवेयर डालने के बाद में वो फेस रिजेक्शन का भी काम करेंगे और साथ ही जो कुछ व्हीकल को अगर अपनों को आइडेंटिफाई करना है तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। इस प्रकार के कैमरे की शुरुआत करने का प्रयास किया गया, अभी ट्रायल चल रहा है इसका और साथ ही जो 64 कैमरे थे इनके ऊपर जब हमने देखा कि इससे जनता का सहयोग अच्छा मिलने लगा इसके उसमें, तो हमने इसकी संख्या बढ़ाकर लगभग और आगे जो कनेक्टिंग रोड थे, गलियां थी, उन तक ले गए और 500 तक पहुंचा दी संख्या। फिर अभी हमारा टारगेट 1000 कैमरे पूरे क्षेत्र में लगाने का है और 1000 कैमरे लगाने के बाद ऐसे स्थान, ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर किराए पर लोग रहते हैं या ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पर सुरक्षा की उनको आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी वो ये इस प्रकार के कैमरे लगा के उनका एक्सेस थाने में ही ले लेंगे और यहाँ पर एक व्यक्ति उसकी ड्यूटी लगा रहेगी जो देखता रहेगा
और यहाँ पर से देखने के उसको लगता है कि अगर इस स्थान पर कुछ अवांछित गतिविधि चल रही है तो वो जो ड्यूटी वाला है या बीट वाला है मोटरसाइकिल पार्टी उसको सूचित करेगा, वो वहाँ जाकर चेक करेगा। सर अभी जिस तरह आपने बताया कि लोगों का काफ़ी जन सहयोग भी मिल रहा है, 500 अभी तक लगाए गए, कितना लक्ष्य है पूरे थाना क्षेत्र में कैमरा लगाने का? 1000 कैमरे का टारगेट करा है हमने पूरे उसमें जन सहयोग से। सर इसमें एक चीज़ और खासियत है, 4K जो कैमरे हैं बाहर से जो मंगाए गए हैं और हाईटेक कैमरे हैं, जिस तरह अभी हमने देखा आप लगातार वीडियो के माध्यम से भी जहाँ तैनात हैं, जहाँ प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, थाना स्टाफ है, उनसे आपने वीडियो कॉल करी है, किस तरह की सर इसमें और क्या क्या हाईटेक है इसमें? सर इनमें क्या है कि जो कैमरे हैं इसमें, ये इन्वेस्टिगेशन वाले कैमरे हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन के बहुत से जो इम्प्रूवाइजेशन अपनों करना है या इन्वेस्टिगेशन में हेल्प लेना है तो आप इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से ले सकते हैं। और ये क्या है जैसे लाइव जूम हो जाता है, आप जैसे चल रहा है तो जूम करते हुए आप इसके गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, आदमी का चेहरा पहचान सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि आप इसको इस स्टेप बाय स्टेप हमको सेट करा है हमने इसको कि जैसे कि अगर वो लोटस चौराहे से स्टार्ट हुआ और सत्ती साई तक जा रहा है अगर, तो वो हर जगह कैमरे में नज़र आएगा। ऐसे ही हर पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों में इसका उपयोग किया जा सके। सर इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का भी कहना है कि काफ़ी हाईटेक कैमरे और अभी शुरुआत विजयनगर थाने से हुई है, अभी सभी थाना क्षेत्रों में भी इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा, इस तरह की जो प्रयास होते हैं सर जब उसको सराहना मिलती है तो कैसा लगता है सर? नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर का जो होते हैं उनका हम पालन करते हैं और जब एप्रिसिएशन जनता से और पुलिस के लिए अच्छी सराहना मिलती है तो निसंदेह हम लोगों को और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। सर बात की जाए यहाँ पर कितने जो कैमरे लगे हैं उससे कितने अभी तक अपराधों को कुछ ट्रेस हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से सर? हाँ, अभी हम जब ट्रायल कर रहे थे उसी दौरान एक C21 से कोई डिक्की का ताला तोड़कर ले जाने की बहुत सारी घटनाएं आ रही थी, तो 3 दिन तक जब ये घटना हमने देखी तो एक वॉच लगाया हमने तो एक कैमरे में वो जैसे ही संदिग्ध आके खड़ा हुआ तो वो तोड़ते हुए ही पकड़ा गया था। इसी प्रकार एक कोई युवती गुम होने की रिपोर्ट थी उसकी बाहर की और उसका लोकेशन के आधार पर टीम आई थी बाहर की और उसका भाई भी था साथ में, तब वो यहाँ कैमरे चेक करवा रहे थे उसको, ऐसे जहाँ लोकेशन था उन जगहों पर, तो वो जगह देख के उसने पहचान लिया था बहुत अच्छे से कि यही है मेरी बहन। इस प्रकार मोटरसाइकिल चोरी का भी एक आरोपी हमने इसी के माध्यम से पकड़ा है, इससे सुधार काफ़ी है, क्राइम कंट्रोल में बहुत लाभप्रद है ये। हाँ निश्चित तौर पर, जिस तरह सर आपका जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे मेन जो वाहन चोरी की बात सामने आती है, चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं सामने अभी फिलहाल में आई थी, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं अब इन CCTV कैमरों की मदद से काफ़ी रोकथाम हुई है सर। हाँ, CCTV कैमरे और उसके बाद भी अभी जो गेंगे लगातार पकड़ाई है, जैसे अभी कुछ कंजर पकड़ाए हैं हीरानगर और विजयनगर लसूड़िया क्षेत्र में, चेन स्नैचर गैंग भी पकड़ाई है, तो इन सब से काफ़ी हुआ है और ये स्नैचिंग की वारदात और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में लगभग 60% की कमी आई है। कहीं ना कहीं सर CCTV कैमरे से जो अपराध नियंत्रण होता है, कहीं ना कहीं आम जनता में विश्वास बढ़ेगा पुलिस को लेकर भी, और अपराध की जो कमी हो रही है उसको लेकर भी पुलिस के मन में पुलिस को लेकर ये मन में आम आदमी की भावना आएगी कि अब हम सुरक्षित हैं। निसंदेह हमारा जो उद्देश्य है, हम यही चाहते हैं कि आम जनता सामान्य वर्ग जो है वो जनता पुलिस में विश्वास करे और उनको सुरक्षा की भावना रहे, और जो दुर्जन है जो बदमाश है उनके अंदर भय रहे, तो हमारा प्रयास यही है। और इन प्रयासों से जो आधुनिक तकनीक उपयोग करेंगे इससे निसंदेह जो जनता के सहयोग से हम कर रहे हैं उससे जनता में विश्वास बढ़ेगा पुलिस के प्रति और उनमें सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ है इंदौर के पहले हाईटेक थाना विजयनगर थाने के प्रभारी तहजीब काजी सर, जिन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर तमाम जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता की सुरक्षा को लेकर है और निश्चित तौर पर इससे अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष मक्कर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।